बच्चों ने अपनी जान एक सड़क दुर्घटना में गंवा दी। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो हमें ये समझना कि बच्चों को आजकल कौन समझाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, टीवी और मोबाइल इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन आज सोशल मीडिया, टीवी और मोबाइल हमारे बच्चों के और हमसे आगे। पेरेंट्स खुद ही सोशल मीडिया और टीवी और मोबाइल में उनको दिन भर देखते रहते हैं, तो बच्चे भी वही देखते हैं और उसी से सीख रहे हैं। जब उससे सीख रहे हैं तो सही और गलत से उनको फर्क कोई बताने वाला ही नहीं है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बताएं, घर में बाउंड्री सेट करें, नियम कायदे बनाए कि कितने बजे आना है, कितने बजे सोना है और गुस्सा नहीं करना है, और अगर गाड़ी चलानी है तो कितनी स्पीड से चलानी है, और नशा नहीं करना है। इसकी चर्चा पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ज्ञान दें। सबसे पहला स्कूल बच्चों का घर से होता है, और पेरेंट्स जो ज्ञान बच्चों को दे उसको पहले अपने में अपनाएं, खुद वो करें, तभी बच्चे उनको देख के फिर सीखें। दूसरा मैं इसको समझती हूँ कारण है कि स्कूल में इसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए, वर्कशॉप सेमिनार के साथ बुद्धिजीवियों को जोड़ा जाए, लोगों को जोड़ा जाए जो उससे संबंधित है, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, लॉयर, पुलिस, उनको कायदे कानून बताए जाए और उनको बताए जाए कि क्या क्या हो सकता है अगर हम लोग रियल और रील में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। दुर्घटना होती है तो क्या होगा, दुर्घटना क्यों होती है, स्पीड कम क्यों रखनी चाहिए, एक्सीडेंट्स का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, और ये सारी बातें जो है बच्चों को एम्पावर और अवेयर जब तक हम नहीं कराएंगे, उनको जब जागरूक नहीं करवा सकेंगे तब तक बच्चे नहीं बदलेंगे। जागरूकता ही एक हमारे पास हथियार है जो कि जो सोशल मीडिया से बच्चे सीख रहे हैं उसको फाइट कर सके। पीयर प्रेशर में बहुत है बच्चे आजकल, जो दोस्त कहते हैं वही वो एक दूसरे को देख के सीख रहे हैं और सभी एक कस्ती में है। तो पेरेंट्स का काम है घर में नियंत्रण अपना रखें, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें और बच्चों के साथ हर विषय पर चर्चा करें, उन्हें जागरूक करें और उन्हें बार बार बताएं सही और गलत है। ये पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स समय निकालें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी प्राथमिकता उनके